देखो भाई हाई के फर्स्ट में इसकी आवाज़ लीवर की सेटिंग वही है जो लो की 3 नंबर में थी। हाई का पहला तो भाई अभी हमने इसको फेर दिया अपने गले में, ये देखो चिकना हो गया, बहुत हो गया फिर भी। और इसकी जो है मशीन नहीं चल रही गाने वाली, की चक्कर हो गया उसमें, पता नहीं चल नहीं रही अच्छे से। तो इसको देखते हैं, पेन उल्टी लगा दिया, पट्टी उल्टी है, पट्टी तो सही है पेन उल्टी है। तो सीडल उठा के हमने रख दी, एक सीडल यहाँ रख दी, एक तो भाई पट्टी मार के कर दिया हमने कंप्लीट। और टायर खोल दिए, ले एक टायर निकाल ले और इसको तान दिया। बाकी इसके टायर में तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये तो अभी नया है, टायर ही नया है तो क्या दिक्कत है। ये टायर में क्या, ये साइड जो है ये ज़्यादा खा रहा है, ये वाली ये कम उतरी है, तो ये इस साइड लग जाएगा ना तो ये हो जाएगी अंदर साइड, अंदर तो अभी भी यार, लेकिन समझेंगे। ये टायर तो ज़्यादा है, वो ज़्यादा उतरा हुआ। तो स्वागत है भाई आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और आज जो वीडियो है ना वो लगभग 10 से 12 दिन के बाद बन रही है, क्योंकि मैं चले गया था इंदौर, तो मैं आया हूँ परसों के दिन, नहीं कल ही आया हूँ मैं सुबह मतलब 10-11 बजे तक यहाँ पर आ गया था। उसके बाद कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया टाइम पास में। और आज सुबह से, आज है अमावस्या का दिन, तो हम चले गए थे नहाने, तो इसको लेकर गए थे और ट्रैक्टर सामने खड़ा जिसमें बंधी हुई है गैया, बाकी निवालन जगह पर खड़ा हुआ था अंदर अपने, जो दोनों ट्राली है वो भरी खड़ी हुई है गेहूँ से, लगभग वो आधी आधी है, आधी जो बड़ी ट्राली उसमें तो डाला डाला गेहूँ है लगभग 30 बोरा समथिंग होंगे, बाकी पुरानी ट्राली को मैंने देखी नहीं है कितनी क्या भरी हुई है। और जो अपना इधर वाला जो टीन सेट है ना, इसमें 3 कालम थे तो उसको बढ़ा के 2 और बढ़ा दी, जो अपने बेली लाया था ना वो चीज़ अपनी हो चुकी है कंप्लीट। और बाकी क्या अंतर आया अभी तक मैं नहीं था जब से, बाकी और कोई अंतर नहीं आया है, ट्राली ही भरी है और गेहूँ था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसको देना था खाना पीने का वो भी सब क्लियर हो चुका है मामला। गियर में क्या हो गया इसमें, अब जैक खुला है। तो भाई आज है अगला दिन और अभी मैं ट्रैक्टर पर बैठ गया हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ बखन्ने, कौन सा बाड़ा जो अपना है ना छोटा सा बाड़ा जिस जो पहले अपना घर था, वहाँ जा रहा हूँ मैं बखन्ने अपना 60 फल्ले वाला कल्टीवेटर लेकर। ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ ये वाला, वो खड़ा है वहाँ पर क्योंकि वो ढोल ट्वेल है, उसके टायर ख़राब हो जाएगा, मैंने पेंट लिखा लिखा सब बराबर हो जाएगा। तो एक बार कल्टीवेटर जोड़ते हैं फटाफट से, बाड़ा में चल रहे हैं फिर मिलते हैं। तो भाई कल्टीवेटर कर दिया मैंने स्टार्ट फुल डाउन में और इसको चला रहा हूँ मैं लो के 3 नंबर में, तो बेहतर है। एक बार मुड़का आते हैं उसके बाद मिलते हैं। देखो भाई हाई के फर्स्ट में इसकी आवाज़ लीवर की सेटिंग वही है जो लो की 3 नंबर में थी, हाई का पहला बहुत जाने भाई चक्कर। बाकी चलो इसको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई अपना बड़ा बकरा तो हो चुका है कंप्लीट, पूरा चकाचक कर दिया। ये ट्रैक्टर में ना दोनों लीवर चलाना पड़ता है। बाकी चलो अब चलते हैं घर पे। नए टायर में फर्क तो आता है जब ट्रैक्टर अपन बखरते टाइम में घुमाते हैं ना, मतलब चलते कल्टीवेटर में, मेरे पे नहीं बीच खेत में अगर घुमा रहे हैं ना तो वो ट्रैक्टर जो अपना है वो आगे खिसलता रहता है, लेकिन ये टायरों में नहीं खिसला आज मैंने देख लिया। बाकी चलो चलते हैं घर फिर मिलते हैं अभी।
तो भाई अभी हमने इसको फेर दिया अपने गले में, ये देखो चिकना हो गया, बहुत हो गया फिर भी। और इसकी जो है मशीन नहीं चल रही है, गाने वाली की चक्कर हो गया उसमें, पता नहीं चल नहीं रही अच्छे से। तो इसको देखते हैं, पिन उल्टी लगा दिया, पट्टी उल्टी है, पट्टी तो सही है पिन उल्टी है। तो सिडिल उठा के हमने रख दी, एक सिडिल यहाँ रख दी, एक सिडिल वो वहाँ रख दी आम के नीचे, क्या ये छाँव में रहेगी। बाकी चीज़ तो सब अपनी छाँव में, बस ये पिलाऊ है पड़ा, पिलाऊ में घाम लगने की जगह ही नहीं है। उसके बाद ये ट्रैक्टर को मैं ले जाऊँगा परसों, कल तो नहीं ले जाऊँगा, और आज तो मना ही कर दी क्योंकि थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, और अपने ट्रैक्टर में हो सके तो 2 दिन लग जाएंगे, तो फिर कल मेरे को दूसरी जगह जाना है, इसलिए मुश्किल हो जाएगी फिर ट्रैक्टर को समझना। इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ कर दिया। और ये ट्रैक्टर को भी फेरा था हमने, तो इसने देखो ऐसी जगह करी है, इधर फेरा था इसको, मतलब थोड़ी ऐसे झटके वाली जगह। अब ये ट्रैक्टर इधर छाँव में इसलिए करके रखा क्योंकि अपन को पलटाना है ट्रैक्टर के टायर, जॉन डियर के पलटा देते हैं एक बार तो क्या पूरा चकाचक हो जाएगा। तो भाई टाइम हो चुका है दोपहर के 2, और हम कलाकारी कर रहे हैं अभी टायर पलटाने की, क्योंकि ये वाला टायर अपना ज़्यादा उतर गया है और ये वाला है थोड़ा सा कम। इसकी ये जुगाड़ नहीं हो रही कि ये वाली साइड इस साइड आ जाए, लेकिन ये होएगा ही नहीं कभी, नहीं हो जाएगा यार, ये टायर इधर फंसा जाएगा तो फिर हाँ हो जाएगा। ये सब उल्टा है, एक झटको मारा कर बस, और से ज़्यादा कहीं मत कर। तो अपन ये ट्रैक्टर को लगाएंगे नीचे यहाँ पे, और फिर इसको उठा देंगे, उसके बाद अपन टायर वापस पलटे कर वापस नीचे रख देंगे। तो चलें आप फटाफट से ये खोल देते हैं। तो भाई पट्टी मार कर दिया हमने कंप्लीट, और टायर खोल दिए, ले एक टायर निकाल ले और इसको तान दिया। बाकी इसके टायर में तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये तो अभी नया है, टायर ही नया है तो क्या दिक्कत है। ये टायर में क्या, ये साइड जो है ये ज़्यादा खा रहा है, ये वाली ये कम उतरी है, तो ये इस साइड लग जाएगा ना तो ये हो जाएगी अंदर साइड, अंदर तो अभी भी यार, लेकिन समझेंगे। ये टायर तो ज़्यादा है, वो ज़्यादा उतरा हुआ है ये वाला। तो टायर भाई एक खोल रहा है हमने, और ये देखो ये दूसरा टायर भी हम निकालते हैं, और ये पीछे लगा दी ओट, और हैं रेगो कहेगा, रेगो नहीं है वो, टाइट होगा होएगा। चलो बाकी इसको करते हैं कंप्लीट और फिर मिलते हैं।